ये देख देख सकते हैं आप लोग। हेलो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग फ्रेंड्स, आज मैं जा रहा हूँ अपना गेहूँ वाला खेत, जो मेरे ये नदी के किनारे है खेत, आप लोग को चलो दिखाता हूँ। ये देखो आप झाड़ी वाड़ी देख सकते हैं, यहाँ बहुत सारे झाड़ी वाड़ी हैं। वो देखो वो पूछ रहा कि कितने आऊँ, किधर से आऊँ। आप देख सकते हैं ये खेत जो चुका है, इसमें गेहूँ मैंने इसको क्या अधिया आप दे रखे हैं, वो बो उसने बो दिया होगा, पार्टनरशिप उसने बो दिया होगा। अब चलो मैं उसको देखता हूँ कैसे क्या बोए हैं। हेलो गाइस, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, उसके बाद चलो हम दिखाते हैं और वो किससे पानी लगाते हैं और मेरा सुविधा कैसा है यहाँ के खेती में। चलो आप लोग को दिखाता हूँ। मैं अभी जोत वाले खेत में चल रहे हैं, जोतू अरे जोते वाले खेत में, मतलब जो ट्रैक्टर जोत कर। चलो आप लोग को दिखाता हूँ मेरे खेत कहाँ पे है, काफ़ी दूर है। चलो आप लोग को उधर की तरफ वीडियो दिखाता हूँ। रास्ता है कुछ उल्टा सीधा रास्ता है मेरा खेत का, ये देखो इसमें चढ़ा, अब दूसरे खेत में कूद गया मैं। ये देखो आपको हरियाली दिख गई होगी आप लोगों को, ये मेरा खेत है जो को हरियाली दिख रही है, जहाँ तक हरियाली है ये मेरा खेत है। हरियाली तो वहाँ तक तो अरे वहाँ तक नहीं यार, आप लोग हम दिखा देंगे कैसे मेरा खेती किया गया है गेहूँ का। आप देख सकते हैं मेरा खेत किनारे ये छोटी सी गढ़ाई बनी है, छोटी नहीं है, ये देख सकते हैं। रोज नहाते हैं इसमें, हम क्या करते हैं मछली मारते हैं। ये देख सकते हैं इतनी छोटी नदी है हमारे किनारे खेत की। आप देख सकते हैं ये मेरा गेहूं वाला खेत है, आप हटती साइड में इसमें देखिए, शेर आया था रात में गेहूं खाने, ये देखो पैर के निशान बने हुए हैं। ये मेरा गेहूं वाला खेत है, यहाँ से वो जहाँ तक बोया है वहाँ से फिर आगे थोड़ा रहकर फिर उधर थोड़ा झुक गया है, आगे चला गया है, उसके बाद किनारे 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 किए यहाँ से मेरा गेहूँ वाला खेत है। ये मेरा नैया किनारे पड़ता है खेत। चलो आप लोग को और दिखाता हूँ, कुछ अलग जानवर दिखाता हूँ जो ये खा लेता है। वो देखो चल रहे होंगे, आप लोग को दिख रहा होगा वो जानवर हैं, वो देखो दिख गया होगा जानवर ये सब, इसको बोलते नील गाय। नील गाय, नील गाय। चलो आप लोग को दिखाता हूँ पास से थोड़ा चलकर, देख सकते हैं। अरे भगाओ मत यार उसको, ये देखो मेरे खेत में पानी है, सर में पानी कहाँ से आएगा, ये देखो सर में पानी आ गया। चलो आप लोग को करीब दिखाता हूँ वो जानवर है। वो हम इधर जा रहे हैं तो एक एक कदम बढ़ाते चले जा रहे हैं और आगे के लिए। चलो उसके आपको दिखाता हूँ, भाग ना जाए तो आप लोग को दिखा देता हूँ। शांत रहो भाई आप, उसको हम फैंस लोग को दिखाएंगे कैसे नील गाय होती है। आओ तुम्हें ऑटोग्राफ दे आओ। चलो दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये है जोता खेत, इसमें चला नहीं जा रहा है हमसे फिलहाल। आपको तो इतनी कष्ट करके आप लोग के खातिर हम वीडियो बना रहे हैं, देख सकते हैं। ये देखो जा रहा है, वो देखो जा रहे हैं सब, देख सकते हैं, देख सकते हैं। वो देखो नील गाय, उसमें कुछ बच्चे बैठे हैं, मतलब बच्चे चल रहे हैं उनके साथ, कुछ बच्चे हैं नील गाय के, ये देख देख सकते हैं आप लोग। अब ज़्यादा करीब नहीं जाएंगे, नहीं ये सब भाग जाएंगे। देखो कितनी स्पीड बना ले रहे हैं सब, देख सकते हैं। वो देखो अंदर ही अंदर सब भागने जा रहे हैं सब। ये मेरा यहाँ का बाहर का पेड़ है, देख सकते हैं सूट ढलने वाला है सब, बाहर के अंदर मतलब बाहर का जंगल है, यहाँ पर सब अंदर चले जाएँगे। बाकी लोग का धान गेहूं कट चुका है, मतलब गेहूं धान कट चुका है, सब लोग गेहूं बो चुके हैं यहाँ के आदमी किसान लोग। चलो अपना खेत बारीकी से दिखाता हूँ मैं, अच्छे से। और ये टेबल है, जिसने बोया रखा है मेरा खेत उसी का टेबल है, ये देख सकते हैं ये टेबल है उसी का, टेबल सींचता है ये भाई। और उसके बाद हमारे खेत किनारे नदी गई है, आप लोग दिख गई होगी। चलो अभी नहीं दिख होगी, हमने दिखाया भी नहीं, अभी हमने दिखाया नहीं आप लोग को, कहाँ से दिख जाएगी। चलो हम आपको दिखाता हूँ हमारे खेत के किनारे नदी है, बस एक लोग का खेत बीच में पड़ जाता नहीं, मेरा एकदम नदी से किनारे खेत जुड़ा है, आप लोग को दिखा दूँगा ऐसे भी नदी भी हम। चलो पहले हम आप लोग को खेत दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स ये मेरा खेत है, इसमें भी गई हो चुकी है, जिसने किया उसने
जो कि अच्छा ही किया है भाई। देख सकते हैं अभी कुछ दिन पहले सींचा होगा इसलिए नमी थोड़ी बनी है, देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए नाली बना रखे हैं जो कि परेशानी ना हो पानी ले जाने में। अभी मेरा ही थोड़ा पहले बो गया था इसलिए लगता है, देख सकते हैं आप लोग। ये देखो इधर ज़्यादा नमी पहुँची, इधर सही जाम गया, इधर और थोड़ा बड़े बड़े पेड़ हो गए और बाकी उधर साइड थोड़ा छोटे पेड़ हैं। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, इधर वाला बड़ा, इधर थोड़ा बड़ा बड़ा है अभी। इसी इधर इधर अभी पानी नहीं लगा है, उधर वाले सींच चुके हैं। दो दिन लगते हैं इसमें काफ़ी। ये शायद 3.5 या 4 बीघा के खेती है हमारी यहाँ की। चलो आप लोग को नदी दिखाता हूँ। ये झाड़ियों के पीछे कुछ है। ये झाड़ियों के पीछे हमारी नदी है जो कि आप जिससे कहते हैं छोटा इंजन, पंपी सेट बोल सकते हैं उसको, उससे हम पहले सींचते थे। अब फिलहाल अभी अब मैंने खेत दे चुका हूँ इसलिए अब वही करता है जो वो कर पाता है, खेत से अपने टेबुल सींचता है और बाकी नदी सींच देता है। ये देखो, देख सकते हैं आप लोग वहाँ तक है ये नदी है। 8 किलोमीटर यार गिर जाएंगे। आप लोग यहाँ का व्यू देख सकते हैं। तैर के बाहर आ जाना, गिर जाओगे तो। इसमें उधर देखो लगा रखे हैं जाल वाल, देख सकते हैं मछली पकड़ने के लिए। जब नदी थोड़ा स्पीड में आएगी तो ये बह के निकल जाएगा। फिलहाल इसमें से मछली निकाल लेंगे, ये देख सकते हैं आप लोग। फिलहाल मेरी खेती यहीं तक थी, यहाँ आप लोग को दिखा सकता हूँ फिर से एक बारी। आप ये सूर ढल रहा है भाई, सनसेट हो रहा है, यहाँ का भी ऐसा दिख रहा है भाई, देख सकते हैं आप लोग। इस प्रकार से हमारी खेती यहाँ की है और बाकी एक यहाँ मेरी खेती 3 बीघा खेती है, 3 या 4 बीघा खेती है। उसके बावजूद वहाँ हमारा 2.5 बीघा के थोड़ा दूर, देख 2 किलोमीटर दूर है मेरी 2.5 बीघा खेत हैं। वहाँ पे भी पता नहीं क्या हुआ, वो भी अधिया दे रखे हैं हम। इतना है बस। चलो फ्रेंड्स, हमारी खेती कैसी लगी आप लोग कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।